अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली हेल्दी क्रंची टेस्टी पीनट चिक्की की रेसिपी। इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, गुड़ और मूंगफली। ये दो ऐसे न्यूट्रिशियस इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको कंबाइन करने से एक सुपर हेल्दी और पावरफुल स्नैक बनता है। बाज़ार में मिलने वाली चिक्की से कहीं ज़्यादा हेल्दी हाइजेनिक क्रंची पीनट चिक्की आप इजीली घर पे ही बना सकते हैं। तो चलिए ये सुपर टेस्टी एंड हेल्दी पीनट चिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हम लेंगे 500 ग्राम गुड़ और 500 ग्राम मूंगफली। परफेक्ट चिक्की बनाने के लिए दोनों चीज़ें इक्वल मेजरमेंट्स की होनी चाहिए। गुड़ को हम क्रश कर लेंगे क्योंकि बड़े पीसीस को मेल्ट होने में टाइम लगता है। ये देखिए, गुड़ के मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और ये रोस्टेड पीनट्स ली हैं। आजकल सर्दियां हैं और मूंगफली का सीज़न है, तो आपको भुनी हुई मूंगफली आराम से हर जगह मिल सकती है। इनका छिलका रिमूव करने के लिए आप इनको किसी बड़े कपड़े में रखकर अच्छी तरह से रब करिए, तो इनका छिलका आराम से उतर जाता है। इस तरह से पीनट की स्किन रिमूव करके हम इसको चिक्की के लिए यूज़ करेंगे। और अब इन पीनट्स को हम हल्का सा क्रश करेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करने हैं, बस इतना क्रश करें कि मूंगफली के दो पार्ट्स हो जाएं। चिक्की बनाने से पहले हमें कुछ प्रिपरेशंस करनी होंगी। एक जिस सरफेस पर हम चिक्की जमाएंगे उसको घी या ऑयल से हल्का सा ग्रीस करके रखेंगे और नाइफ़ को भी ग्रीस करके रख लेंगे। और दूसरा एक बोल में पानी डाल के रखेंगे ताकि सिरप की कंसिस्टेंसी हम चेक करते रहें। अब फ्लेम ऑन करके हमें कढ़ाई में ये क्रश किया हुआ गुड़ डाल देंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। ऐसा करने से गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो आपको इस रेसिपी बनाते हुए फॉलो करनी है वो ये कि फ्लेम थ्रू आउट लो ही रखनी है। हाई फ्लेम पर गुड़ बहुत तेज़ी के साथ जल जाता है और कड़वा हो जाता है। अब गुड़ को लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे। जब गुड़ सारा मेल्ट हो जाए तो इस स्टेज पर अगर आपको गुड़ में कुछ इम्प्योरिटीज़ नज़र आती हैं तो आप गुड़ को छान लें और फिर इसको पकाना स्टार्ट करें। मैंने गुड़ को अब अच्छी तरह से छान लिया है और यह अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है। जब जैगरी सिरप में बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं तो आप इस सिरप को चेक करना स्टार्ट कर दें। अब यह हम थोड़ा सा सिरप ठंडे पानी में डालेंगे और 10 सेकेंड वेट करेंगे। ये देखिए, अभी इसकी ये बिल्कुल सॉफ्ट बॉल कंसिस्टेंसी है। ये इसकी फर्स्ट स्टेज होती है। चिक्की बनाने के लिए हमें ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं चाहिए। अभी हम गुड़ को और पकाएंगे और अब 2-3 मिनट बाद ही गुड़ का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है और थिक होना भी शुरू हो चुका है। अब आपको थोड़ी थोड़ी देर में कंसिस्टेंसी चेक करते रहनी है। जब जैगरी सिरप पानी में डालने के बाद ऐसे हार्ड हो जाए और आसानी से टूट जाए तो बस ये फाइनल स्टेज है और परफेक्ट चिक्की के लिए हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अब सिरप में मूंगफली डाल दीजिए और क्विकली एंड थरली पीनट्स को जैगरी सिरप में मिक्स कर दीजिए। पीनट्स अच्छी तरह से सिरप में कोट हो जानी चाहिए। इस टाइम हम इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। इससे बिल्कुल बाजार जैसा ग्लॉस आता है चिक्की में। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फ्लेम ऑफ कर दें और जो प्लेट हमने ग्रीस करके रखी थी उस पर निकाल लें। और फिर किसी स्पून को हल्का सा ग्रीस करके इसको अच्छी तरह से दबा दबा के फैला लें। अब इसके ऊपर ये प्लास्टिक शीट जिसको हमने घी लगा के हल्का सा ग्रीस कर लिया है रख देंगे और बेलन से चिक्की को रोल आउट करते हुए इवन करेंगे। अब शीट रिमूव कर दें और चिक्की अभी गर्म ही है। इसी टाइम हमने इसको कट करना है। इसको हम ग्रीस की हुई नाइफ से छोटे स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। परफेक्ट। चिक्की को राउंड शेप देने के लिए हम ऐसे एक कोई भी राउंड मोल्ड लेकर उसमें भी चिक्की को सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ कुकी कटर यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर आप ये मिक्सचर डाल के ऐसे स्पून से सेट कर दें और ये परफेक्ट राउंड चिक्की तैयार है। अब पीनट चिक्की को आप कम्प्लीटली ठंडा होने दें
और ठंडा होने के बाद जहाँ पर हमने इसके कट मार्क्स लगाए थे वहीं से पीसेस को तोड़ के रख लें। अब ये विंटर्स डिलाइट पीनट चिक्की बिल्कुल तैयार है। इसको आप किसी एयरटाइट कंटेनर में रखकर एक दो महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इन सर्दियों में आप ये पीनट चिक्की की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि पीनट चिक्की खाने से हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन है जिससे ब्लड की कमी दूर होती है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है। गुड़ और पीनट्स दोनों में ही बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। तो अब आप इन सर्दियों में ये एक बार पीनट चिक्की की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ एंजॉय करिए।